हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 17 जून 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, यह हमारा करंट अफेयर्स एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मैं अनअकैडमी ऐप पर एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी ऐप पर मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर्स ओल्ड एज पेंशन स्कीम। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए पंजाब की सरकार ने, ऑप्शन बी दिल्ली सरकार ने, ऑप्शन सी गुजरात सरकार ने, ऑप्शन डी बिहार सरकार ने। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन की बात की जाए तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन जो योजना है वह बिहार राज्य की सरकार ने शुरू की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। पंजाब राज्य, दिल्ली और गुजरात में यह योजना शुरू नहीं की गई है, शुरू किए बिहार में, और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। क्वेश्चन संख्या सेकंड, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट मेड बाय इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फॉर विच ईयर इंडिया विल सेट अप इट्स स्पेस स्टेशन इन स्पेस। इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? ऑप्शन ए अप टू 2030, वर्ष 2030 तक, ऑप्शन बी अप टू 2022, वर्ष 2022 तक, ऑप्शन सी अप टू 2025, वर्ष 2025 तक, और ऑप्शन डी अप टू 2035, वर्ष 2035 तक। इसरो जो है, यानी कि इंडियन स्टेट रिसर्च सॉरी इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अपना खुद का अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा और इसकी जो समय सीमा है वह है वर्ष 2030 तक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अप टू 2030, वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट, द प्लेयर ली चोंग वी हैज अनाउंस्ड द रिटायरमेंट विच गेम ही बिलोंग्स टू। खिलाड़ी ली चोंग वेई ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी फुटबॉल, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी हैज ऑर्डर्ड ऑल मिनिस्टर्स टू रीच द ऑफिस टिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को कितने बजे तक दफ्तर पहुंच जाने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए मॉर्निंग 9 AM, सुबह 9 बजे तक, ऑप्शन बी मॉर्निंग 9:30 AM, सुबह 9:30 तक, ऑप्शन सी मॉर्निंग 10 AM, सुबह 10 बजे तक, और ऑप्शन डी मॉर्निंग 10:30 AM, सुबह 10:30 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को आदेश दिया है कि उन्हें सुबह के 9:30 तक अपने अपने कार्यालय पहुंच जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मॉर्निंग 9:30 AM, तो सुबह 9:30 तक। क्वेश्चन संख्या 5, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सर्व द चिल्ड्रन नॉट सर्विंग द पेरेंट्स। किस राज्य की सरकार ने मां बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र की सरकार ने, ऑप्शन बी पंजाब की सरकार ने, ऑप्शन सी बिहार की सरकार ने,
ऑप्शन डी राजस्थान की सरकार ने। तो बात की जाती है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि माँ बाप की सेवा ना करने के वाले बच्चों को जेल भेजने तथा वृद्ध जनों के लिए पेंशन योजना जो शुरू की है वो बिहार की सरकार ने की है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने यह योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी बिहार, सॉरी ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रोपम स्पीकर ऑफ 17th लोकसभा, कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी अरविंद सिंह, ऑप्शन सी निरुपमा सिन्हा, ऑप्शन डी राजेश जायसवाल। 17वीं लोकसभा जिसका शपथ ग्रहण समारोह 30 मई 2019 को हुआ था और इसके जो प्रधानमंत्री है वह श्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में वीरेंद्र कुमार को नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज का मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।